After structure of benzene, our question is preparation of arenes or preparation of benzene. When I say preparation of arenes, it means preparation of benzene because benzene is simplest of arene, right? तो अगर बेंजीन भी आप बनाओगे या मिथाइल बेंजीन बनाओगे वही एरीन है. सो क्वेश्चन इज नाउ हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ एरीन्स और प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन. एरीन का मतलब होता है, याद रखना है आपको, व्हेन आई से एरीन, एरीन मींस बेंजीन बिकॉज बेंजीन इज रिगार्डेड एज द सिंपलेस्ट ऑफ एरीन, करेक्ट. So, preparation of arene हमारा अगला क्वेश्चन है या preparation of benzene. First preparation, ठीक है. देखो बेटा, बेंजीन को हमें पता है, अगर आपको याद होगा, पहली preparation करेंगे चलो क्लोरोबेंजीन से, from क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन से हम बना सकते हैं. क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन से हमने बनाना है बेंजीन, राइट. अब हम कैसे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से, देख लीजिए. आई एम टेकिंग क्लोरोबेंजीन. C6H5Cl भी इसको हम लिख सकते हैं. अगर Cl इसमें निकालेंगे और Cl की जगह H डालेंगे तो बेंजीन तो बनेगा, राइट. तो इसको हम अगर H डालेंगे, ध्यान से देख लो, अगर हम H डालेंगे ऐसे, तो H डालेंगे, एक HCl को रिमूव करेगा और एक HCl की जगह जाएगा, ठीक है ना. तो हमें क्या बनेगा, देख लीजिए, एच जब अपनी जगह पर जाएगा वापस तो बेंजीन बनेगा, क्योंकि मैंने कहा था बेंजीन में एक डैश का मतलब एक एच कम, दो डैश डालेंगे दो साइड में दो एच कम. तो एच गया अपनी जगह पर जहां जिसकी जगह सीएल गया था और एक एच ने सीएल के साथ एच सीएल बना दिया, तो दिस इज बेंजीन. सो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना. अब क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन से हमने बनाया, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाया, कैसे बनाया? रिडक्शन करके. एच, एच कहां से आएगा? कोई रिड्यूसिंग एजेंट, निकिल एल्यूमिनियम स्लैश NaOH, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है. यहां पर ये स्पेसिफिक है तो मैंने ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट लिखा, ये भी एक. तो ऊपर हम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन से कैसे बना, बाय रिडक्शन. किससे रिडक्शन की हमने, ये भी लिखेंगे, बाय रिडक्शन विद निकिल एल्यूमिनियम एलॉय स्लैश NaOH. निकिल एल्यूमिनियम एलॉय स्लैश NaOH. निकिल डैश Al एलॉय स्लैश NaOH. राइट. सो पहला, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एरीन और फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय रिडक्शन विद निकिल एल्यूमिनियम एलॉय स्लैश NaOH. करेक्ट, लिख लीजिए. Now, second preparation is, हम एरीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बेंजीन की प्रिपरेशन, क्योंकि बेंजीन मैंने कहा फर्स्ट एरीन होता है बेंजीन, ठीक है. अब सेकंड ले लेंगे, सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम फिनोल. फ्रॉम फिनोल देखो कितना इजी है ये, फ्रॉम फिनोल. फिनोल से भी हम बना सकते हैं. पहले आपको पता चलना चाहिए फिनोल है क्या. वैसे मैंने कहा भी था उस टाइम जब हमने एरोमेटिक का थोड़ा सा दो चार स्ट्रक्चर्स बताए थे, मैंने उस टाइम बताया था फिनोल होता है जब बेंजीन के ऊपर OH होता है, मतलब हाइड्रोक्सी बेंजीन अगर हम कहें, ये फिनोल होता है. फिनाइल, और ये फिनाइल हो गया, एक एच कम डैश डाला मैंने, इट इज नाउ C6H5, उस डैश की जगह, उस H की जगह OH आया, तो ये फिनॉल होता है. देखो फिनॉल को अगर हम हीट करें जिंक से, किसे, जिंक से हीट करें, जिंक से हीट करेंगे ZnO निकल जाए. जिंक जो होता है, मैं दिखा रहा हूं यहां से, जिंक जो है
ये जिंक इस ओ को रिमूव करेगा एज ज़ेड एन ओ निकल गया, एच बचा, एच गएगा अपनी जगह पर जिस जगह पर ओ एच आया था, तो हमें बनेगा बेंजीन, क्योंकि जेड एन ने ओ को रिमूव किया एज ज़ेड एन ओ, एच गया डैश, डैश की जगह मतलब अपनी जगह पर वापस जिंक, तो बना बेंजीन। ये बेंजीन की अगर हम जिंक डस्ट ले लेंगे तो फास्ट रिएक्शन होती है, पाउडर्ड जिंक, इसको मैं डस्ट भी लिखूंगा नीचे। तो अगर मैं ऊपर लिखूं, बताइए आप फिनॉल से कैसे बेंजीन बनता है, आप कहेंगे फिनॉल से बेंजीन बनता है बाय हीटिंग विद जिंक डस्ट और बाय हीटिंग विद जिंक, बाय हीटिंग विद जिंक डस्ट और जिंक, राइट फिनॉल से बेंजीन बना। तो दिस इज सेकंड प्रिपरेशन, पहली प्रिपरेशन क्लोरोबेंजीन से रिडक्शन और दूसरी फिनॉल से कैसे हीटिंग किया जिंक से, ठीक है। नाउ अब हम थर्ड प्रिपरेशन करेंगे। देखो बेटा थर्ड प्रिपरेशन है सोडियम बेंजोवेट से, फ्रॉम सोडियम बेंजोवेट, फ्रॉम सोडियम बेंजोवेट। सोडियम बेंजोवेट का मतलब बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट, जैसे इथेनोइक एसिड का सोडियम साल्ट को बोलते हैं सोडियम इथेनोवेट, बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट को बोलते हैं सोडियम बेंजोवेट। मैं पहले रिएक्शन दिखाता हूं फिर आपको समझ आ जाएगा, देख लीजिए। बेंजीन के ऊपर जब COOH होता है, सपोज COOH, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, इस एच को जब हम रिप्लेस करेंगे Na से, ये बनता है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या इसका नाम है सोडियम बेंजोवेट, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, करेक्ट। इसको अगर हम सोडा लाइम डालें, देखो बेटा क्या NaOH डालें, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, और लाइम, लाइम होता है जो NaOH को ड्राई रखता है, ये उसके लिए होता है, वो हम एरो पर लिख सकते हैं CaO। इन दोनों को ये कास्टिक सोडा NaOH CaO जो होता है, CaO का काम होता है, मैं नोट में नीचे लिख के रख देता हूँ, CaO keeps NaOH dry, ये इसका काम है, function, NaOH नहीं तो इसमें पानी आता है, ये diluent होता है, keeps NaOH dry, तो CaO जो है इसको dry रखता है। तो जब heat करेंगे NaOH के साथ, देखो क्या क्या निकल जाता है, Na, ध्यान सुनिएगा, यहां से लेके ये Na2CO3 निकल जाता है, Na2CO3 में फिर एक बार बताता हूँ, Na2CO3 निकल जाता है, Na2CO3, फिर बचा H, क्योंकि जब Na2CO3 बना तो सिर्फ ये H बचा, ये H जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, क्योंकि हमें पता है वहां पर एक डैश है, डैश का मतलब एक H कम है, तो ये जाएगा बनेगा यहाँ पर H, बेंजीन बना और निकलेगा, इसको कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, बताया था पहले भी मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इसमें, इस रिएक्शन से भी बेंजीन बनता है। सो बेंजीन का बनाने का ये एक और तरीका है। अब बताइए कैसे सोडियम बेंजोवेट्स, बाय हीटिंग विद सोडा लाइम, बाय हीटिंग करेंगे सोडा लाइम से, बाय हीटिंग विद सोडा लाइम। अब सोडा लाइम मैंने कहा आपको क्या है, सोडा लाइम, सोडा लाइम का मतलब NaOH कास्टिक सोडा एंड लाइम CaO, इसे हीट करके हमें बेंजीन बनता है। दिस वाज थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आफ्टर थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी आर फोर्थ मेथड। अब फोर्थ जो है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड है, बेंजीन
डायजोनियम क्लोराइड, पहले भी मैं शायद नहीं बताया आपको, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, ये आपको 12th में करना भी है अलग से, लेकिन यहाँ पर मैं बताता हूँ जो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ये होता क्या है। नाउ लिसन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है ये कंपाउंड, ध्यान से देख लीजिए, बेंजीन के ऊपर ये बेंजीन है C6H5, इसमें एक लाइन डाल दिया मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया, फिर इसके साथ N2+ डॉट Cl, ये साल्ट होता है, Cl-, ऐसे। अब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपको आगे समझ आएगा, एक्चुअली में ये ऐसे होता है, एन डबल बॉन्ड एन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एन, एक बाद में फिर समझ आएगा ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। Although you need not to write structure here, आप सिर्फ याद रख लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है बेंजीन के ऊपर N2+, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+ और Cl-, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर मैंने कहा N2+ Cl-, इसको हम डालते हैं, ध्यान से सुनो, इसको भी देखा जाए तो रिडक्शन करनी है, एक कंपाउंड है H3PO2 और वाटर, ध्यान से देख लो, ये H3PO2 और वाटर जो होता है, ये मैं साइड से पहले बताता हूं, जब H3PO2 को वाटर डालते हैं, अब इसके रिएक्शन देखो, जो ये इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2 को ये इस वाटर से O निकालता है, बनाएगा फॉस्फोरस एसिड H3PO3, और निकालता है दो एच, दो एच रिलीज होते हैं, वो ए एच, ध्यान सुनिएगा, जहां पर भी ये दोनों हम डालते हैं तो दो एच प्रोड्यूस होते हैं और H3PO3 बनता है। वो दो एच क्या काम करता है, वो दो एच एक सीएल को रिमूव करता है, बन जाएगा HCl, दो एच का काम है HCl बनाता है, किस HCl, मैं फिर बता रहा हूं यहां पर, फिर मैं इसको रब करता हूं, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे ये बनाएगा H3PO3 और दो एच, मतलब एच और एच, ये एच जो है ये Cl को रिमूव करता है, ये नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है और ये एच उस जगह जाता है जहां पर ये निकला था, डैश की जगह, बन गया हमें बेंजीन। तो यही है H3PO2 जो है और वाटर, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि ये हमें क्या करता काम, ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करेगा, ये बनाता है H3PO3 और H, पहले मैं वही लिखता हूँ, H3PO3 और 2H, अब 2H में से एक H ने Cl को रिमूव किया, एक H और N2 गैस रिलीज होता है, और जो एक एच बचा वो बेंजीन फिनाइल ग्रुप के साथ आता है, डैश को फिल करता है, तो बेंजीन बन जाता है। देखो फिर बता रहा हूं, ये बना H3PO3 जो मैंने यहां दिखा दिया, फिर बचे 2H, ये 2H, एक एच ने Cl को रिमूव किया, N2 रिलीज हो गया और जो एक एच है वो वहां पर जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसको भी रिडक्शन ही बोलते हैं, देखा जाए तो ये भी रिडक्शन ही है, लेकिन रिडक्शन के लिए स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, बाय रिडक्शन विद, अगर हम और कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो फिर इस रिएक्शन से नहीं बनता है, बाय रिडक्शन विद H3PO2/वाटर, ये लेना पड़ेगा तब, क्योंकि ये जब रिएक्ट करता है H3PO3 बनाता है दो एच, वही एच दो एच एक HCl, नाइट्रोजन अलग और बेंजीन बन जाता है, ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब फिफ्थ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिफ्थ प्रिपरेशन अभी हमने की थी अल्काइन्स में, फ्रॉम इथाइन या फ्रॉम प्रोपाइन भी ले सकते हैं, मैं इथाइन की बात कर रहा हूँ, इथाइन या अल्काइन, क्योंकि प्रोपाइन से भी बन सकता है, मैंने कहा था प्रोपाइन से 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन बनेगा, वो भी एरीन है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम इथाइन से बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे रखेंगे,
इथाइन से मैंने कहा था ना तीन मॉलिक्यूल्स, याद कर लीजिए, तीन मॉलिक्यूल्स सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अगर आपको याद होगा मैंने दूसरे तरीके से वहां लिखा था ऐसे सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अभी ये रिएक्शन की थी कल ही मेरे हिसाब से की थी, ऐसे सी एच फिर सी एच फिर ट्रिपल बॉन्ड से ऐसे मैंने लिखवाया, ऐसे भी लिख सकते हो। जब इथाइन ले लिया, ये इथाइन है, अब इथाइन जब ले लिया और इथाइन को हमने किस में पास किया था याद कर लो, रेड हॉट आयरन ट्यूब में, मैंने कहा था 873 केल्विन टेम्परेचर और रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट एफई ट्यूब होता है, जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है, सिंपल। अब बेंजीन लिख लो C6H6 बनेगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाओ या बीच में गोल्ड डाल दो कोई फर्क नहीं, बेंजीन बनेगा। ये हम रिएक्शन अभी कर चुके हैं इथाइन में, तो इथाइन से हम क्या कैसे बनाएंगे, बाय हीटिंग, बाय पासिंग, ऐसे लिख सकते हैं बाय पासिंग लोअर अल्काइन्स या इथाइन, हम प्रोपाइन भी ले सकते हैं कोई फर्क, प्रोपाइन से भी बन सकता है लेकिन यही दो में होता है, बाय पासिंग इथाइन थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है, बाय पासिंग इथाइन थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब, नोट कर लीजिए, शाबाश। नाउ प्रिपरेशन के बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे पहले, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, एरेन्स की प्रॉपर्टी क्या है। देखो सिंपलेस्ट ऑफ एरेन तो बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन इथाइल बेंजीन वो तो है ही है, बट मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिंपलेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, नंबर फर्स्ट क्या लिखते हैं, फिजिकल स्टेट, अगर आपको याद हो अब तो याद, अल्केन में भी किया था, अल्कीन में भी, अल्काइन्स में भी, अब एरीन में भी करेंगे फिजिकल स्टेट। देखो सबसे सिंपलेस्ट है बेंजीन, बेंजीन लिक्विड होता है, सो इसलिए जो एरीन्स होते हैं बेंजीन एंड लोअर मेंबर्स, लोअर मेंबर्स का मतलब मिथाइल बेंजीन है सपोज, अपर हायर होंगे तो वो सॉलिड्स होंगे, लेकिन बेंजीन एंड लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड्स, बेंजीन एंड लोअर मेंबर में आएगा मिथाइल बेंजीन, डाइमिथाइल बेंजीन, लोअर मेंबर्स ऑफ एरीन्स, सबका बताना है, बेंजीन तो लिक्विड है ही है, और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, लेकिन हायर जो है, सपोज मैं आपको कोई बेंजीन, जैसे मैंने बेंजीन ले लिया, इसके साथ में अल्काइल ग्रुप दो तीन यहां पर डाल रहा हूं, यहां पर भी डाल रहा हूं, यहां पर भी डाल रहा हूं, ये तो सॉलिड होगा, ये हायर एरीन माना जाएगा, ठीक है ना, अल्काइल बेंजीन दे आर एरीन्स, व्हाइल हायर मेंबर्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, व्हाइल हायर मेंबर्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सेकंड प्रॉपर्टी सिंपल है ये, इसमें कोई सॉलिबिलिटी भी आपको पता है, नॉन पोलर है, बेंजीन खुद ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक लिक्विड्स में ही डिसॉल्व होगा, करेक्ट, सो लिखेंगे एरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर, एरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water due to their non-polar nature, correct, they are soluble in organic solvents but they are soluble in organic solvents, ठीक है, soluble in organic solvents, जैसे
बेंजीन टॉलिन में सॉल्युबल होगा, या ऐसे में कह सकता हूँ बेंजीन CCl4 में सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपको पता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेंजीन तो खुद है, लेकिन यहाँ पर तो बेंजीन बेंजीन में तो डाल नहीं सकते, इसलिए हम लेते हैं CCl4 ईथर एटसेट्रा। एंड थर्ड एंड लास्ट इज बॉइलिंग पॉइंट्स, तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी होती है। बॉइलिंग पॉइंट्स, अब बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट्स में अगर मैं ले लूं सपोज बेंजीन, बेंजीन से मिथाइल बेंजीन का ज्यादा होगा, मिथाइल बेंजीन से इथाइल बेंजीन का ज्यादा होगा, करेक्ट। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, इंक्रीज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। और ये भी आपको पता है इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास क्यों होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से डिस्पर्शन फोर्स बढ़ता है, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्पर्शन फोर्स, जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना डिस्पर्शन फोर्स बढ़ेगा, विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट।